हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर लोहे के बर्तन में जंग लग गई है तो आप उसे किस तरह से हटा सकते हैं और जंग से बचाने के लिए कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि लोहे की कढ़ाई, पैन आदि में खाना बनाना और सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कई लोग लोहे के बर्तनों में ही हर रोज़ खाना बनाते हैं। पर लोहे के बर्तन को साफ़ करने से लेकर उसको मतलब अच्छी तरह से रखने तक लेकर बहुत सारी बात हमारे दिमाग में आती है कि उसे किस तरह से अच्छी तरह से रखा जाए। कई बार बर्तन में जंग लग जाती है जिसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जंग लगने की वजह से कई बार बर्तन ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के बर्तनों में जंग लगने की समस्या से अगर आप भी परेशान रहती हैं तो उसे हटाने के लिए एक बेहतरीन उपाय है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आप वीडियो का एंड तक देखें जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके उपयोग से आप लोहे के बर्तनों में लगी जंग को आसानी से हटा सकती हैं। तो आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहला है, आपको ये काम ज़रूर करना है कि लोहे के बर्तनों की जंग से निकालने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, जंग लगने से पहले आपको एक से दो बार बर्तन की अच्छी तरह से सफाई कर लें। साफ़ करने के बाद कुछ देर के लिए धूप में ज़रूर रखें। लोहे के बर्तन को थोड़ी देर धूप में ज़रूर रखना चाहिए, उसे अच्छी तरह से पोंछ भी ले पानी से। अगर सफाई के दौरान बर्तन में पानी रह जाता है तो उसकी वजह से भी जंग लग सकती है। साफ़ करने के बाद बर्तन को उलट कर रखें, यानी बर्तन को उलट कर रखें। और इसका एक ये उपाय है कि बेकिंग सोडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस चीज़ से जंग निकालने के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। बेकिंग सोडा घर की सफाई के साथ साथ बदबू दूर करने से लेकर खाना बनाने में बेकिंग सोडा का आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा। इसका इस्तेमाल लोहे के बर्तनों से जंग हटाने में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लोहे के बर्तनों से जंग को हटाने के लिए भी आसानी से किया जाता है। इसके लिए फॉलो करें मैं कुछ बताने वाली हूँ टिप्स। सबसे पहले 2 कप पानी को हल्का गर्म कर लें। उसके बाद पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस घोल में पुराना टूथपेस्ट ड्रिप करें और जंग वाली जगह पर अच्छी तरह से लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। लगभग 5 मिनट बाद आप सैंड पेपर से रगड़कर पानी से धो लें। पानी से साफ़ करने के बाद लगभग 20 मिनट के लिए बर्तन को धूप में रखें, यानी कपड़े से पहले उसको पोंछना है, फिर उसके बाद आपको धूप में रखना है। और सेकंड स्टेप है, बेकिंग सोडा और चूने का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडे के साथ चूने का मिश्रण किसी भी चीज़ से जंग हटाने के लिए एक बेस्ट उपाय है। चूना जंग के क्रिस्टल को सक्रिय और नरम करता है और बेकिंग सोडा उसे साफ़ करने में मदद करता है। ऐसे में आप इन दोनों का इस्तेमाल करके जिद्दी से जिद्दी जंग को भी आसानी से हटा सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच चूना, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और पानी की कुछ बूंदे डालकर एक मोटा सा घोल या लेप जिसे कहते हैं बना सकते हैं। इस लेप को जंग वाली जगह पर अच्छी तरह से लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद सैंड पेपर या पुराने टूथ ब्रश से रगड़ कर साफ कर लें। आइए जानते हैं किन वजह से लोहे के बर्तनों में जंग लगता है। लोहे के बर्तनों में एसिडिक फूड्स को रखने से बचना चाहिए क्योंकि लोहा एसिडिक फूड्स के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से जंग लग सकती है। कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करने से भी लोहे के बर्तनों में जंग लग जाती है, इसलिए उसका नियमित इस्तेमाल करते रहें। या फिर आप उसको कुछ ट्रिक है जो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, उससे भी आप जंग लगने से बचा सकते हैं। सिर्फ बेकिंग सोडा ही नहीं बल्कि अन्य कई चीज़ों के इस्तेमाल से भी आप लोहे के बर्तनों की जंग हटा सकते हैं, जैसे कि सिरका, नींबू का रस और लोहे के बर्तनों की जंग को हटा सकती हैं। अगर आपके बर्तनों में जंग नहीं लगी है और उसे आप काफ़ी दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप उसे ग्रीस करके रखें, यानी उसमें ऑयल या जो डालडा होता है, घी जो वनस्पति का होता है, उससे भी आप लगा के रख सकते हैं जिससे जंग नहीं लगती है। ग्रीस वगैरह करने के बाद आप बर्तन को किसी पॉलीथीन या बोरी वगैरह जो होती है उसमें डाल करके रख दें और जब भी आप उसका इस्तेमाल करें उसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से रगड़ करके धो लेंगे, जंग नहीं लगेगा। अगर थोड़ा बहुत उसमें जो भी गंदगी डस्ट वगैरह है धोने से चली जाएगी। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोहे की जंग को हटा सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।